डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन मिला है वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आदमी अकेला क्या करूँगा। कुछ बनना था। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। हालांकि फिल्म को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि आमिर खान चाहते थे या उम्मीद कर रहे थे। 11 अगस्त को रक्षाबंधन रिलीज हुई और आमिर खान की मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। मतलब कि 4 साल बाद रिलीज हुई आमिर खान की ये फिल्म बहुत मुश्किल से 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकी है बॉलीवुड में। इतने कम कलेक्शन के साथ फिल्म पर फ्लॉप होने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन अभी आमिर के पास एक ऐसा दांव बचा हुआ है जिससे ये फिल्म सुपरहिट साबित हो सकती है। दरअसल चीन में आमिर खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हम सभी जानते हैं। अब फैन फॉलोइंग है या जो कुछ भी कहें आप, चीन में उनकी फिल्मों का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। 4 साल बाद उनकी कोई फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक दी है। ऐसे में लाल सिंह चड्ढा का चीनी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। आमिर की कई फिल्में चीन के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि आमिर खान का जो लास्ट दाव होगा ये यही होगा कि आमिर खान भी इस फिल्म को चीन के सिनेमा घरों में रिलीज करें और बॉक्स ऑफिस पर छा जाए। जी हाँ, बाकी फिल्मों की तरह जैसे कि थ्री इडियट्स। आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स की वजह से वो चीन के घर घर में फेमस हुए थे। दरअसल इस देश में पारिसी के जरिए उनकी ये फिल्म पहुंची थी, लोगों को उनकी ये फिल्म काफी पसंद आई थी। बाद में इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 करोड़ की कमाई की। ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसे चीनी बॉक्स ऑफिस पर इतनी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद पीके की बात करें, मतलब थ्री इडियट्स के बाद रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म पीके ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। देश के अलावा विदेशों में भी इस फिल्म ने धूम मचाई थी। आमिर खान की ये फिल्म चीन के लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म ने चीनी बॉक्स ऑफिस पर 128 करोड़ का कलेक्शन किया। दंगल, आमिर खान की दंगल ने न सिर्फ भारत में बल्कि चीन में भी बम्पर कलेक्शन किया था। ये चीन में भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसका रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। फिल्म ने चीनी सिनेमाघरों में लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इसी कलेक्शन की वजह से आमिर खान की फिल्म 2000 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी। इसके बाद है सीक्रेट सुपरस्टार। इस फिल्म में आमिर खान का छोटा सा किरदार था, इसके बावजूद फिल्म ने चीन में जबरदस्त कलेक्शन किया। जायरा वसीम एक्टेड इस फिल्म ने चीनी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 800 करोड़ का कलेक्शन किया और सबको चौंका दिया। फिल्म का डायरेक्शन किया था अद्वैत चंदन ने, जो कि लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर है। अब देखना है कि क्या आमिर खान फिर से ये वाला फंडा फिर से अपनाते हैं या नहीं, और क्या अपनी फिल्म को चीनी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या इनकी फिल्म फ्लॉप होने से बच पाएगी या नहीं। बल दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये फैन फॉलोइंग की वजह से फिल्में कमाती हैं आमिर खान की, या फिर इसके पीछे कोई और ही फंडा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज।